www.tinkercad.com इस साइट के ऊपर हम काम करेंगे और इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हम थिंग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम आज बात करेंगे, देखो जो टर्म्स मैं इस्तेमाल करूंगा आप कोशिश करिए उसके बारे में पढ़िए भी, ठीक है। मैं आपको मटेरियल भी दूंगा, आपको लिंक्स भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। और आपकी इसी ग्रुप के अंदर ही मैं इसी टीम्स के अंदर ही शेयर करूंगा क्योंकि बेटा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं हूँ, ठीक है। और जो भी कुछ शेयरिंग होगा मटेरियल का वो आप यहीं से इंटरेक्ट कर सकते हो या अपने जो टीचर्स हैं उनसे मेरा नंबर मांग सकते हो जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर लें, ठीक है, आफ्टर द क्लास जो भी है। तो हमारी लैब के दौरान ही हमारे पास टोटल हम मिलेंगे ऐसे दो दो घंटे में मिलते रहेंगे, जैसे हमारा A1 हो गया 2 आवर्स का, A2 हो गया 2 आवर्स का। तसल्ली से काम करते। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमने जो लास्ट PPT में हमने देखा था, हमने इश्यूज़ के ऊपर बात की थी, चैलेंजेस के ऊपर बात की थी, फिर हमने बताया IoT की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हमने समझा था, 5 तरीके के IoT के फीचर्स हैं, 5 फीचर्स हैं कि इसको कहीं भी कभी भी कैसे भी किसी के भी द्वारा किसी भी नेटवर्क पे, ठीक है, किसी भी सर्विस या बिजनेस के लिए IoT का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेवल्स ऑफ IoT हमने देखा था कि भाई सबसे पहले कोई भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मुझे क्या करना है, सेंस करना है। सेंस कौन करेगा, सेंसर, सेंसर इसको सेंस करेगा, ठीक है, सेंस्ड बाय सेंसर। और सेंसर एक छोटी डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस, ठीक है, आपकी हथेली में भी आराम से आ जाएगी, इतनी छोटी डिवाइस होती है आपकी वो, ठीक है। और वो सेंसर आपका जुड़ रहा है सेंस करने के बाद ट्रांसफर टू, अब ये डेटा जो सेंस किसने किया वो किसको भेजेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है बच्चों, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी होगी बेटा बट समझ आ रही तो बताना, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है, ओके सर। चलो तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है कुछ या माइक्रो प्रोसेसर होगा बीच में जिसको ट्रांसफर किया जाए। ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा एनालिसिस करेगा या गेट द डेटा, ये डेटा कलेक्शन कर रहा है, डेटा को कलेक्ट करेगा इकट्ठा कि मेरे किस सेंसर से कितना डेटा आ रहा है। और इसके बाद एनालिसिस शायद ना करे, इसके बाद एक हमने कंप्यूटर सिस्टम से इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है, एक मैं कह दूं कंप्यूटर, वो आपका कोई डेस्कटॉप PC भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है या आपका लैपटॉप भी हो सकता है। अगर मोबाइल फोन इतना पावरफुल है तो वो ले लेगा, नहीं तो लैपटॉप PC भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो होती है एनालिसिस होती है, किसकी एनालिसिस, डेटा की, जो डेटा रिट्रीव हुआ। इसके बाद अब ये कनेक्टेड होगा आपका इंटरनेट से, या हम इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ भी दे सकते हैं, इंटरनेट भाई साहब जो है यहाँ से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, कि दोनों में से किसी एक में जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और ये इंटरनेट पर डेटा भेजना शुरू करेगा। अगर भेजना शुरू करता है, कहीं भी शेयर करना है, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहलाई मेरी थिंग्स। और चूंकि ये थिंग्स का डेटा सारा कुछ इंटरनेट के द्वारा शेयर हो रहा है तो क्या कहलाया मेरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लियर। हम इसके ऊपर काम करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के उस हिस्से में लेकर चलता हूँ जहाँ मैं आपको एक एक बेसिक वर्किंग में आपको बताने शुरू करूँगा कि कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं जो IoT में एकदम प्रमुख तौर पर और बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, उन पे हम काम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ब्रिंग माय प्रेजेंटेशन, ओके।
सेंसर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके अब मैं आपको चीजें कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, आपके पास सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दूं? यस सर, ले लिया। यस सर, चल ओके। जब इंटरनेट की बात आती बेटा, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेटवर्क, ये दो शब्दों से मना है बेटा, इंटरनेटवर्क का छोटा रूप है, इतना शॉर्ट में इसको इतना ही कहा। अब नेटवर्क क्या बला है, आप लोग सपोज करें आप लोग का अपने दोस्तों का ग्रुप होगा, है ना, आप लोग अभी अगर आप साथ में खेलते हो, अगर जैसे आप कॉलेज के दिन का याद करें, जब आप लोग क्रिकेट खेलते होगे या कहीं घूम रहे होगे या कैंटीन में होगे, तो आप लोग का एक ग्रुप बना होगा, है ना, और ग्रुप आपस में बातचीत कर रहा है आपस में, है ना, और एक ग्रुप ये बना होगा, एक ग्रुप अलग से कोई बना होगा, वो आपस में बातचीत कर रहे होंगे, है ना, इसी को हम कहते हैं नेटवर्क। एक नेटवर्क मेरा ये है, एक नेटवर्क मेरा ये है। अगर कोई इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनो बेटा, किसी नेटवर्क में शेयर की जा रही है, सपोज करें आप लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है ना, सपोज करें आपने एग्जाम्स के ऊपर बात की, आपके दोस्त ने कहा यार एग्जाम का मुझे ही पता चला, फिर एक ने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे देखो भाई फोन में ये मेरे पास नोटिफिकेशन आई, अरे ये खबर सुनो जरा, तो एक टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी अलग कोई इन्फॉर्मेशन या सेम इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसके ऊपर कोई टॉपिक पर कोई डिस्कशन हो रहा होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट अंदरूनी, ठीक है, इंटरनेट। और अगर यही इंफॉर्मेशन, सॉरी, अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है दूसरे नेटवर्क से कि भाई इस ग्रुप के इंफॉर्मेशन, चलो यार दूसरे ग्रुप को बताएं यार, सबको बताना जरूरी है, तो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरी इस नेटवर्क के पास भी आई, तो वो नेटवर्क के बीच की बातचीत हुई। एक नेटवर्क मेरा ये है, दूसरा नेटवर्क मेरा ये है। नेटवर्क का शॉर्ट में बेटा N/W भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर दो नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। अगर सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और बाहर शेयर नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। इसका आपको बेस्ट आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, सबसे बड़े उदाहरण इसका यह है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिशन देखते हैं, कोई आप सपोज करें कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, कई जगह लिखा होगा इंटर कॉलेज, है ना, कई जगह लिखा होगा इंट्रा कॉलेज। इंट्रा कॉलेज हो गया कॉलेज के अंदर, ठीक है, और इंटर कॉलेज होगा बिटवीन कॉलेजेस, ठीक है, इसी से अपनी टीम होगी, RKGIT से अपनी टीम होगी, ठीक है, और कोई और कोई एकाइट होगी उसकी अपनी टीम होगी, बिटवीन कॉलेजेस, ठीक है। तो इंटर का मतलब हो गया दो के बीच में, दो या दो से ज्यादा के बीच में एक कॉमन कोई चीज शेयर हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन चीज शेयर क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात बेटा, आर यू विद मी, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर, सर आ रही है समझ में, बिल्कुल। मैं देखो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको लगता है कि सर नहीं समझ आ रहा, दोबारा बताइए, मुझे इमीडिएटली रोक देना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको बता दें इंटरनेट चीज क्या होती है। अब जहां मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बता रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो दो तरीके से हो सकती है, कंप्यूटर्स के द्वारा दो तरीके से हो सकती है, एक होता है वायर्ड, वायर के द्वारा, और दूसरा हमारा वायरलेस। अच्छा, वायर्ड में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के क्या क्या आपको एग्जांपल्स पता हैं, आप बता सकते हो कि बेटा वायर्ड फॉर्म में तारों के द्वारा इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है? सर ऑप्टिकल फाइबर से।
इससे और बेसिक एग्जांपल बताओ जो आप बचपन में इस्तेमाल करते हो गए या आपने बड़ों से सुना होगा कि हम बचपन में कैसे बातचीत करते थे। सर वो लैंडलाइन टेलीफोन भी होता है एक, अगर आपने सुना होगा टिन कैन को जोड़ दिया दूसरे टिन कैन से, याद है? हाँ वो तो याद है सर, है ना? तो एक अगर बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, सिमिलरली दूसरा बोलेगा तो आप सुनोगे। सही, इतनी क्लियर आवाज थोड़ी आती है समझ में, थोड़े धुंधले धुंधले आती है। मतलब जा तो रही है आवाज, ट्रांसफर तो हो रही है ना आवाज, किसी हद तक शेयर हो रही है, भले 100% ना हो रही हो लेकिन कुछ प्रतिशत तो हो रही है, 70%, 60% समझ में तो आ रही है कि हाँ भी क्या बोल रहा है। हाँ सर, है ना? तो ये अब वायर ट्रांसमिशन या वायरलेस किसी की भी बात करो, वायरलेस तो आप जैसे बोल के दूसरे को बोल रहे हो, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मेरी वायरलेस आवाज आपको वायरलेस आ रही है, अगर आप अपने स्पीकर पे अगर सुन रहे हो तो, ठीक है, वायरलेस हो गया थ्रू एयर, ठीक है। अब इसी कम्युनिकेशन आपके तीन तरीके से हो सकते हैं। एक होगा कि भाई एक जना बोलता रहे, दूसरा सिर्फ सुने, कि मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक एंड यू विल लिसन, ठीक है। ये ठीक वैसे ही होता बेटा जब आप कोई रेडियो स्टेशन सुन रहे हो, है ना? आपके पास जो रेडियो ट्रांसमीटर होता है या आपका मोबाइल फोन होता है जिसके अंदर रेडियो आप सुन पा रहे हो, वो रिसीव कर रहा है, वो वापस जवाब नहीं देता कि भाई ये म्यूजिक, ये गाना पसंद नहीं आ रहा, दूसरा गाना चेंज करो, ऐसा तो नहीं हो पाता ना। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। और चूंकि मेरा ये एक तरफा है, एक तरफा बातचीत हो रही है, इसको हम कहते हैं सिंगलप्लेक्स। इसे ब्रॉडकास्ट मतलब सबको भेजा जा रहा है और एक तरफा ही बातचीत हो रही है, वन वे, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगलप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक जना बोल रहा है, दूसरा जना सुन रहा है बस, ठीक है। अगर इस तरह के अगर आपकी बातचीत हो टिन कैन और थ्रेड लाइन लगा के, जिसमें एक बार में एक ही जा सकता है, दूसरी बार में दूसरा जगह जाएगा, एक बार में एक डायरेक्शन ही फॉलो होगी, मतलब अगर ए और बी बातचीत कर रहे हैं तो पहली बार में ए बी से बातचीत करेगा, फिर ए बंद हो जाएगा, फिर बी कहता चला मैं बोलूं, बोला हाँ भी बोल, ठीक है। ये हो गया बेटा हाफ डुप्लेक्स। ये कम्युनिकेशन क्या कहलाया? आधे तौर पे हो रहा, हाफ डुप्लेक्स। तो सिंगल प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, दो तरह की कम्युनिकेशन हो गई। फिर इम्प्रूवमेंट आई, आपके पास टेलीफोन आया, पहली बार टेलीफोन आया तो आप दोनों तरफ की बातचीत एक साथ कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ता। पहले टेलीफोन में जैसे आप वॉकी टॉकी में करते थे, वॉकी टॉकी में देखो भाई एक जना बोला ओवर, उसने दूसरे ने बातचीत करी, फिर उसने ओवर कहा, फिर आपने कहा, है ना? तो टेलीफोन डुअल बातचीत एक साथ करने को अलाउ करता है, उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक सड़क है वो सिर्फ वन वे है, ठीक है, वो हो गया सिंगलप्लेक्स। चलो फिर हमने अलाउ कर दिया कि भाई दो गाड़ियां जा सकती है लेकिन एक बार में एक ही जाएगी, अगर एक जा रही है उसके बाद जाने के बाद दूसरी जा सकती है उल्टे डायरेक्शन में, वो हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। और एक सड़क ऐसी है जिसके पीछे डिवाइडर है और यहाँ पे एक जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों पॉसिबल है एक साथ, वो क्या हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। नो सर। चलो अब इसी बात को जो हम ये बात जो भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन होता है, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो आप बातचीत करते हैं ना, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन के कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है कि भाई आपको अगर कम्युनिकेशन अगर रखना है
तो कुछ बातें होंगी कि भाई दोनों एक साथ तो बोलेंगे बट समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे बोलेंगे, इस तरीके से बातचीत होगी, ठीक है। उस सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को हम कहते हैं, नेटवर्किंग टर्म में कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो हमारे नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क में हमारे आते हैं प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल भाई साहब जो इनको कौन डिफाइन करेगा कि भाई क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कौन डिफाइन कर रहा है? OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल का सेट है, इसको हम सेट को सूट भी कहते हैं, या सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसको किसने इजाद किया? जब इंटरनेट की शुरुआत 1991 वर्ष में हुई, तब ISO नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही कि भाई मैं OSI में इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सका। ये भाई साहब बड़े मायूस हो गए, कहते यार मैं इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ISO ने कहा कि चलो भाई हम एक और इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जो ये बड़े स्तर पे है, इसको बड़ा कंफ्यूजिंग समझा गया, बहुत इसके दिक्कत हुई, तो थोड़ा आसान तरीके से करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? TCP/IP, फुल फॉर्म लिखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के दो नाम है, या तो ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं स्लैश लगाकर, शॉर्ट फॉर्म में TCP/IP, अगेन प्रोटोकॉल सूट, या इसको हम कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। अलग अलग स्तर पे बातचीत होती है इसके अंदर, कि हार्डवेयर कैसी बातचीत करेगा, सॉफ्टवेयर कैसी बातचीत करेगा, कौन कैसी बात कैसी समझेगा, वो सब बातें। तो ये इम्प्लीमेंट आज के डेट तक होता आ रहा है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं हम, इसको सिर्फ याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए कि नेटवर्क होता क्या है, उसको बेस्ट समझा इससे जा सकता है, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, नेवर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये भाई साहब मायूस रह गए, ये भाई साहब खुश हो गए क्योंकि ये पहले दिन से इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। पहला दिन कब से? वर्ष 1991 से। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा इस इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखते रहो, ठीक है? जी सर। अब बात आती है इसमें, चलो मैं दूसरा पेन लेता हूँ, दूसरा लेना था मैं, ये क्यों सिलेक्ट हो गया? लेयर्स की, किसकी लेयर्स की? TCP/IP मॉडल की। ये मॉडल बताता है कुछ, आपके नेटवर्क को लेयर्स में बांटता है। कितनी लेयर्स हैं आपकी? 5 लेयर्स। कुछ इस तरीके से लेयर्स होती है बेटा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं बेटा साथ साथ, सर किस चीज के लिए रहे हैं बच्चे? इसको नेटवर्क को, अगर एक नेटवर्क, अगर बड़े नेटवर्क को अगर 5 भाग में बांटा जाए, तो कौन सा भाग उस नेटवर्क के उस कम्युनिकेशन के किस हिस्से को देख रहा है? मैं भी आपको समझाता हूँ बेटा, चिंता मत करो। आप अगर सिंपल सी बात समझें, आप अपने सिस्टम पे बैठते हैं, ठीक है, अभी आप अपने कंप्यूटर्स पे होंगे या अपने मोबाइल फोन पे होंगे, आपने वेब एड्रेस डाला www.google.com, ठीक है, तो एकदम से वो साइट ओपन होके आ जाती है आपके सामने, आ जाती है, लेकिन इसको टाइप करने से लेकर इसके अपीयर होने तक, इसके या शो करने तक बहुत कुछ होता है। वो 5 स्तर पे प्रोसेस होके जाता है, उन 5 स्तरों को हम 5 लेयर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से हो रहा है।
ठीक है। सबसे पहले पहली लेयर आती है इसके अंदर फिजिकल, कि डेटा मेरा कैसे जा रहा है, क्या वो वायर्ड जा रहा है या वायरलेस जा रहा है। ठीक है, अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है 4G के थ्रू जाए, वाईफाई के थ्रू जाए, तो हो गया वायरलेस मीडियम। अगर आपके लैपटॉप या सॉरी आपके कंप्यूटर जो घर में होगा उसके पीछे कोई तार जुड़ी हुई, जो आपके राउटर से जुड़ी हुई है घर में, या कोई तार आ रही है पीछे, या आपने लैब्स पे ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो वो हो गया वायर्ड। ठीक है, तो फिजिकल लेयर किसकी बात करता है? रॉ बिट्स। रॉ मतलब क्या होता है वर्ड? एक रॉ होता है, एक रिफाइंड होता है, एक दो वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, कच्चा, कच्चा माल, पक्का माल कहते हैं ना। यस सर, यस सर। तो रॉ बिट्स ऑफ डेटा जाती है किस मीडियम के थ्रू? या तो वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। नेक्स्ट आता है लेयर, हमारे पास आती है डेटा लिंक। ये डेटा लिंक मेरा डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स, अगर आप सपोज कर आप लोग बातचीत कर रहे हैं अपने आप आसपास में, तो अगर कोई बातचीत आपके ग्रुप में हो रही है, ठीक है, उसको हो सकता कोई एक हिस्सा कोई मैनेज भी करे। सपोज कर आप लोग कोई, आपने क्या ये अटेंड किया है ग्रुप डिस्कशन कभी, जीडी कभी सुना है इसके बारे में, जीडी कैसे होता है, या डिबेट सुनी होगी? यस सर। तो उसमें एक सेंट्रलाइज एक बंदा होता है ना जो सबकी बातचीत कराता है? जी सर। वही काम डेटा लिंक लेयर का होता है। अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग लोग अपनी अपनी बातचीत एक साथ कहना चाहते हैं, बट कहते हैं भाई साहब रुको, मैं आपकी एक एक करके बातचीत कराऊंगा आपस में, आप मेरे पे भरोसा रखिए। ठीक है, ये मॉडरेटर का काम करता है ये। हाँ बिल्कुल सही, मॉडरेटर समझो या फिर फैसिलिटेटर, कोई भी शब्द ले लीजिए। इसको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, एक बार हम इसको काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे बेटा आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले बंदे बन जाओगे सारे के सारे। कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि आप मैकेनिकल के हो के सीएस के हो के क्या हो, आप एक पूरी तरह इंजीनियर कहलाओगे। मेरा उद्देश्य यह है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा पूरा एकदम। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर क्या करता है मॉडरेटर फैसिलिटेटर का काम करता है, कि सबके डेटा को लिंक करना शुरू करेगा कि कौन बातचीत किससे कर रहा है। लेकिन ये बातचीत जो होती है हमारी फिजिकल से क्या आ रहा है, रॉ बिट्स ऑफ डेटा। अब ये बिट्स ऑफ डेटा मेरे डब्बे में बंद होने शुरू हो गए, हो गया ये बिट्स ऑफ डेटा मेरे डब्बे में बंद होने शुरू हो गए कुछ इस तरह से। ठीक है, इन डब्बों को कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, इन डब्बों को क्या कहते हैं? फ्रेम्स। और ये जब मेरी इन डिवाइसेस से बातचीत कराने की कोशिश करते हैं, आप लोग कभी अपने लैपटॉप पे ध्यान देना, लैपटॉप के पास जहाँ पे वो इंटरनेट की केबल नीचे लगती है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम के पीछे डेस्कटॉप पीसी के पीछे जो केबल लगती है, वहाँ पर आपको दो बत्ती जलती दिखेंगी हमेशा, एक ऑरेंज कलर की होगी और दूसरी होगी ग्रीन कलर की। सर येलो से कलर की होती है एक तो। हाँ बिल्कुल बेटा, येलो करो या ऑरेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बत्तियां होती है, एक ब्लिंक करती रहेगी एक लगातार जलती रहेगी, है ना सर? आप उसी में कह रहे हो जो RJ45 लगा होता है उसमें कह रहे हो आप? बहुत सही बेटा, RJ45 बिल्कुल सही, RJ45 कनेक्शन जो होता है उसी को हम कहते हैं इथरनेट केबल। और वही इथरनेट की बातचीत किसको कौन देखता है? डेटा लिंक लेयर देखता है। और जो भी डेटा जा रहा है उस इथरनेट वायर के थ्रू वो आपका फ्रेम्स के थ्रू जाता है। ठीक है, और हर इथरनेट वायर का जो डाटा जा रहा है जिस कंप्यूटर से जा रहा है, अब ये तो पता लगना ज़रूरी है कि भाई ये जो मेरा कंप्यूटर है, चलो मैं नया पेज बनाता हूँ, हटा दूँ इसको बेटा, मिटा देता हूँ कुछ हिस्सा। यस सर। कुछ हिस्सा मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो कुछ जो मेरा डेटा जाता है या जो भी मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, उनको फ़र्क कैसे पता लगे कि ये ए है, ये बी है और सी है? इनके एक एड्रेस होते हैं जो उनको हार्डवेयर के द्वारा मिलते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जहाँ पे आपके वो वायर लगती है उसको हम कहते हैं
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर कभी आपका आपने वायर लगाई हो, इथरनेट वायर लगाई हो, RJ45 की केबल लगाई हो, और मान लो कभी कोई दिक्कत आ जाए कि भाई वो चल ना रही हो, बत्ती ना जल रही हो, और आप इसको लैपटॉप को लेके जाएं मार्केट में, बोले कि भाई इसको रिपेयर वाले को लेके जाएं, बोले करो इसको ठीक करो, तो क्या दिक्कत है? आप बोलोगे इसका NIC खराब हो गया है, ठीक है? इसे कहते हैं NIC, जहाँ पे आपकी इथरनेट केबल RJ45 की केबल कनेक्ट होती है। उस हार्डवेयर का अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, क्योंकि फिजिकल चीज़ है ना बेटा, हार्डवेयर आप छू सकते हैं, है ना? उस फिजिकल एड्रेस को मैक भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? वो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का एक नंबर होता है। बिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी नंबर्स। तो जो भी उसको एड्रेस प्रोवाइड होगा वो 48 बिट्स फॉर्म में होगा। 48 बिट का एक बड़ा नंबर होता है, वो हो गया हमारा एड्रेस काउंट करेगा कि इसका अलग नंबर होगा, इसका अलग नंबर होगा, इसका अलग नंबर होगा। और जो बीच में जो मॉडरेटर भाई साहब जो बैठे हैं, जो इनकी बातचीत कराने के लिए, वो एक एंट्री मेंटेन करेगा कि मेरा कौन सा हार्डवेयर किस दरवाजे से कनेक्टेड है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है। पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, ये 2 से है, ये 3 से है, ठीक है? तभी तो बातचीत कराएगा भाई, 2, 3 से बातचीत करना चाह रहा है, 3, 1 से बातचीत करना चाह रहा है, या 2, 3 से बातचीत करना चाह रहा है। समझ रहे हो बात को? ये सारा काम कौन हैंडल करता है? डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर क्या कहती है? डेटा आ रहा है बिट्स की फॉर्म में, और डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है? उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में बांट रहा है, ठीक है? हर फ्रेम का अपना एक एक लेटर के तौर पे फ्रेम बनता है आपका, जिसमें सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, कौन किसको भेज रहा है। जैसे आप कोई खत लिखते हैं तो आता है ना भाई, किसको भेजा जा रहा है, किसके एड्रेस पे भेजा जा रहा है, तो रिसीवर का एड्रेस, डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस। एड्रेस क्या होगा इस केस में? फिजिकल या मैक एड्रेस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतना क्लियर हो गया? काफी बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ो इसको, देखो ध्यान से। दोबारा बताऊं? नहीं नहीं सर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मैं अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे रोक देना, मैंने काफ़ी अपने हिसाब से बड़ा स्लो के बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, फिर भी अगर आपको तेज लग रहा हो तो मुझे बोल देना, मैं और अच्छे से समझाता हूँ। इतना समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं। अब आपने इतना तो समझ लिया मामला कि मेरे पास एक 5 लेयर में से फिजिकल लेयर तो हमने समझ ली, ठीक है? यस सर। डेटा लिंक लेयर भी हमने समझ ली, यस सर, ठीक है? अब बात आती है हमारे पास, जो नेक्स्ट लेयर आती है, कहती है नेटवर्क लेयर आती है। इसको कई लोग इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। फिर एक आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ठीक है? और अंत में हमारे पास आती है एप्लीकेशन। हो गई 5 लेयर। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका ये 5 चीज़ें कैसे तौर पे आती हैं, कि ये किसको कैसे समझा जा सकता है। सपोज करें एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ और दूसरा बॉक्स मैं यहाँ बना रहा हूँ। चलो यहाँ बना दिया, ठीक है? यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास छोटे बॉक्सेस हैं। अब इनके बीच बातचीत हो सकती है, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। सिमिलरली इनके बीच भी इस तरह से तार जुड़ी हुई है, सपोज करें बॉक्सेस के बीच में बात कर सकते हैं, और ये किसी एक रास्ते, दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते, चौथे रास्ते, ऐसे करके
ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं ग्रीन पेन लेता हूँ, जो मैंने कहीं ग्रीन लिया हुआ, मैंने कोई और कलर लेता हूँ, मैं लेता हूँ अब आई थिंक ये ले लेता हूँ, चलो यस पिंक ले लिया हमने। जो ये बेटा बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें मैं कहता हूँ होस्ट, ठीक है। जो भी सिस्टम, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। आपका मोबाइल फोन, आपका अगर स्मार्ट वॉच पहनी है तो वो भी, क्योंकि वो ब्लूटूथ से आपके फोन से कनेक्टेड है, ठीक है। आपका अगर वायरलेस स्पीकर है वो भी, आपका पीसी, आपकी हर चीज जो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट की जा सकती है या शेयर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। इन 5-6 होस्ट का एक अपना ग्रुप बना हुआ है, जिसको मैं कहता हूं लोकल एरिया नेटवर्क। एक चीज और मैंने मिस कर दी, मुझे बनानी चाहिए थी यहां पर, ठीक है, समझे बात को। ये मेरा जो पूरा फंडा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क ही हो गया, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क ही हो गया, समझ में आ रहा बेटा। सपोज करे ये होस्ट, सपोज करे दिल्ली में बैठे, इसको आप घर भी मान सकते हो, कि एक घर से एक हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आपका एक कुरियर सर्विस का एग्जांपल लेते हैं, कि दिल्ली के मकान नंबर 1, 2, 4, 5, 6 दिल्ली 1 से जाना है बेंगलोर जाना है, ठीक है। बेंगलोर का 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोज करे दिल्ली 1 से डेटा जाना है बेंगलोर 6 तक, कि तैयार हुआ, ठीक है। कहां से जा रहा है, सेंडर कौन है इसका, आवाज आ रही है बेटा, आ रही है सर, आ रही है ना, बीच में मुझे लगता है शायद नेट बंद हुआ होगा, मुझे तभी पूछ रहा हूँ। सेंडर जो क्या हुआ, दिल्ली 1 D1 कर दिया इसको, ठीक है। और रिसीवर कौन हुआ, किसके लिए जा रही है, बेंगलोर 6 के लिए, तो B6 कर दिया इसको, तो D1 से B6 रास्ता जाना है, ठीक है। अब इस ये पैकेज जाना है मेरा, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा कोई होगा, डिवाइस होगा सेंट्रलाइज्ड। आप दिल्ली से जो भी कोई पैकेट जाता है तो एक सेंट्रलाइज्ड कुरियर के एक सेंटर एरिया पे जाता है, ताकि दिल्ली के सारे पैकेजेस जाने होते बाहर, है ना। अब आप ट्रैकिंग करते हैं कि भाई ये दिल्ली के सेंट्रलाइज वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होगा, इकट्ठा जाएगा दिल्ली के सारे, एक एक का तो नहीं जाएगा, इकट्ठा जाएगा। तो ये यहाँ पर जो सेंट्रलाइज की बात हो रही है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डेटा लिंक लेयर DL, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट में DL कह दूंगा, इसको मैं PE कह दूंगा, और इसको NT और A, ठीक है। तो ये बात हो रही है DL की, ये जो ब्लैक लाइंस क्या बात कर रही हैं, कम्युनिकेशन करा रही हैं आपस में, ये क्या है, P फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर हो गया आपका मेन, जो कुरियर सर्विस का जो सेंट्रलाइज सर्विस है, सेंट्रलाइज जो ऑफिस है, जहाँ पे बेस ऑफिस पे सारा इकट्ठा जाता है, वहाँ से आगे ट्रांसफर हो रहा है। फिर हम बाहर निकलते हैं, ये कह देगा चलो भी बाहर निकलो, बाहर निकल के भाई साहब एक हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं राउटर, रूटर कह दो राउटर कह दो, बात एक ही है। राउटर ये डेटा लिंक लेयर डिवाइस होती है, जिसको हम कहते हैं स्विच। स्विच का हर एक पोर्ट हर एक PC से कनेक्टेड होता है, ठीक है। राउटर का हर एक पोर्ट हर नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ईच नेटवर्क ईच पोर्ट, उसका अगर एक पोर्ट एक नेटवर्क है, दूसरा पोर्ट दूसरा नेटवर्क हो गया, ये वाला ये नेटवर्क अलग है बेटा। सिमिलरली
इसका पोर्ट अलग अलग है, ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है, ठीक है। तो ये पैकेट यहाँ से गया, इससे पूछा कि भाई राउटर भाई साहब ये यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है, इसे हम डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं, एक दरवाजा है कि भाई बाहर जाने दो, ठीक है। तो डिफॉल्ट दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा दिया गया है कि आपको इसी दरवाजे से बाहर जाना है, एक ही दरवाजा है आपके पास। तो यहाँ से राउटर कहता है ठीक है भाई साहब चलते हैं, कहाँ जाना है? तो उसे बताया जाएगा देखो भाई सेंडर तो मेरा D1 है और रिसीवर मेरा B6 है। तो ये पूछेगा भाई साहब अब ये बातचीत कहाँ पे हो रही है बेटा? N पे हो रही है, नेटवर्क लेयर पे हो रही है। यहाँ तक बातचीत कब तक हो रही थी? फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर तक, ठीक है। अब बातचीत किस पे आ गए, किस लेयर पे हम आ गए? नेटवर्क लेयर पे आ गए। अब समझ में आ रही है बात, लेयर कहाँ पे होती है? समझने को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। बोर तो नहीं हो रहे ऐसे बोल रहे हो है? क्यों खाना वाना नहीं खाया ऐसे मर मर बोल रहे हो? सर वर्चुअल लैब करा दो सर, 20-25 मिनट के लिए मजा आ जाएगा। बेटा अगर मैं कराऊंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा, करा तो मैं दूंगा, चलो ठीक है मैं एकदम करा भी दूंगा, समझ में नहीं आएगा फिर तुम्हारे सवाल आज शुरू हो जाएंगे कि नहीं समझ में आ रहा सर। सर ये भी कौन सा पूरा समझ आया सर, थोड़ा बहुत इसमें से भी गायब हो रहा है। तो पूछो ना, मुझे रोको तो सही, बीच बीच में बताओ क्या गायब हो रहा, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। सर ये स्विच समझ नहीं आया था, एक तो स्विच। चलो स्विच समझ नहीं आया, इसको हम अभी कंसिडर करते हैं, चलो अब हम भी इसको देखना शुरू करेंगे। और क्या समझ नहीं आया बेटा? और क्या समझ नहीं आया? चलो स्विच में समझ गए, समझ नहीं आएगा, चलो इसको मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ। और बस सर अभी पढ़ाओ आगे, जब देखते हैं थोड़ा सा बोलते जाएंगे, पूछते जाएंगे। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको सब समझा रहा हूँ, आप लोग अपने एंड पे भी सर्च कर लेना, ठीक है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ सर वो वैसा तो समझ आ गया। अच्छा मेन तो ये कूरियर सर्विस का फंडा समझ में आ रहा है ना? हाँ इसकी सर, बात छोड़ो, इसको स्विच कहते हैं क्यों कहते हैं कैसे कहते हैं वो बात की बात है। राउटर कहते हैं क्यों कहते हैं कैसे कहते हैं वो बात की बात है, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। मेन पे कह रहा हूँ कि राउटर भाई साहब कहते हैं अच्छा आपको जाना है बाहर? हाँ जी जाना है जी। तो भाई ठीक है भाई बाहर निकलो, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तो अब ये जो पैकेट है, ठीक है, इसको हम पैकेट कह दो या लेटर कह दो, लेटर यहाँ पे जा रहा है। ये कह राउटर भाई साहब जो कहेंगे नेटवर्क लेयर के अंदर बात हो रही है, ये कहते हैं भाई ये कहाँ जा रहा है, B6 कहाँ पर है? कि भाई साहब B6 तो मैक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है। कहते मैं तो ना जानू कि मैक एड्रेस क्या होता है, मुझे एक ही एड्रेस बताओ कि वो कौन सी बैंगलोर के कौन सी कॉलोनी में है, जिससे पूछ सकूं, बैंगलोर वाले से पूछ सकूं भाई ये बैंगलोर के इस कस्बे के इस कॉलोनी में जाना है, मुझे उसका घर का वो एड्रेस नहीं पता कि भाई ये उद्यम विहार किधर है या ब्लॉक नंबर A1 किधर है। ब्लॉक A बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लॉक M बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे बताओ कि वो स्ट्रीट नंबर क्या है या उस नगर का नाम क्या है, उस स्ट्रीट का नाम क्या है, कि उत्तम नगर है कि द्वारका है कि कहाँ है। ब्लॉक A तो कहीं भी हो सकते हैं, तो ये तो ब्लॉक बता रहा है कि B6 नाम के ब्लॉक में जाना है मुझे। कहते B6 कहाँ है भाई? तो राउटर भाई साहब को एक अलग एड्रेस की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझे? तो आपके google.com कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करता है? ये IP एड्रेस। कहते उसको IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया, तो कैसे करेंगे? इस डब्बे को हमने बड़े डब्बे में बंद कर दिया और हमने कह दिया भैया इस D1 का IP एड्रेस हमने दे दिया, सपोज करें D1 I कर दिया, चलो हमने, ठीक है, और जाना है इसको B6 I पे, ठीक है। कहता हाँ अब समझा, ये सपोज करें बेंगलोर के उद्योग विहार में जाना है और ये दिल्ली के सपोज करें द्वारका से निकल रहा है। कहता अब समझा, अब बात हुई ना। राउटर कहता अब मैं समझा कहाँ जाना भाई साहब। तो अभी राउटर अभी डब्बे को लेकर चलेगा, डब्बे का नाम अब क्या हो गया? पैकेट। पैकेट के अंदर क्या है? फ्रेम। क्या है? फ्रेम।
फ्रेम के अंदर क्या थे, बिट्स ऑफ डेटा। आप समझ रहे हो कैसे कैसे पैकेजिंग हो रही है। बिट्स ऑफ डेटा को हमने एक छोटे-छोटे क्लंप्स में बांटना शुरू कर दिया, उसको हमने कह दिया फ्रेम, वो हमने उसको लेटर के फॉर्म में रख दिया, खत की फॉर्म में रख दिया, फिर अलग ऊपर से पैकेजिंग हुई, उसके ऊपर फिर एक एड्रेस लिखा गया कि ये द्वारका से आया, उद्योग विहार जाना है बैंगलोर के, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पूछेगा, हाँ भाई बैंगलोर जाने वाला कौन है, कहता भाई मेरे रास्ते से निकलो तो छोटा पड़ेगा। ये कहता नहीं चलो मेरे रास्ते से निकल दो, कहता हाँ यार ये रास्ता बड़ा छोटा है। तो ये हो गया आपका मिन, या इसको इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसने आगे बढ़ाता गया, भैया आगे बढ़ाइयो जरा, जैसे आप लोगों से नहीं कहते कि बेटा ये इसको पीछे पास ऑन कर दो। तो ये पैकेट इसको पास किया, इस राउटर को दिया, आर वन को दे दिया, आर टू ने आर टू को पास किया सबसे नज़दीक वाले को, आर टू ने सबसे नज़दीक वाले को दे दिया, आर थ्री को दे दिया। तो ये ऐसे घूम के इधर आ गया, कहता हाँ भी बैंगलोर भाई साहब, कि हाँ भाई बैंगलोर, मैं बैंगलोर का राउटर हूँ, कि हाँ भाई, कि भाई आपके दिल्ली से ऑर्डर आया है, कोई पार्सल आया है। कहते कहाँ का पार्सल, किधर जाना है, कहते बैंगलोर छः उद्योग विहार के B6 में जाना है जी। कि अच्छा ओके, एंट्री मारो, यहाँ पर भी एक सेंट्रला डिवाइस होगा, बैंगलोर का हेड ऑफिस के पास जाएगा। हेड ऑफिस ने कहा कि भाई साहब ये कहाँ कहाँ का ऑर्डर है, कि भाई साहब B6 जानते हो, कहते हाँ जानता हूँ, ठीक है भाई पहुँचा दो उधर। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ पे पैकेट ट्रांसफर होने के लिए आया, तब वो गया ट्रांसपोर्ट पे, गया ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सपोज करो ट्रक है या कोई प्लेन से लेके जाया जा रहा है आपके पैकेजेस को, ठीक है। जैसे ब्लू डार्ट सर्विस होती है अमेजोन से, आप कोई मंगाते हैं तो पैकेजिंग में आता है, पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग होती है अलग अलग। तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट वो चीज आ रही है, समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नो सर, कुरियर सर्विस का एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम। हाँ सर मजा आ गया। अब इसके पास पहुँच गया, अब इसका कोई एक एक आपसे पास आएगा बंदा, हाँ भी B6 में इस बंदे के नाम का ऑर्डर है, कि हाँ जी कहाँ से आया, कहते दिल्ली से आया जी, D1 से आया जी, आप जानते हो, कहते हाँ हाँ मेरे मेरा ऑर्डर है ये, तो पहचान गया हाँ भी मेरा ऑर्डर है, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ, इसी तरीके से दो कंप्यूटर बातचीत करते हैं। अब ये मेरा बेसिक सपोज करे गूगल का सर्वर भी हो सकता है, तो यहां से रिप्लाई भी आ जाएगा, समझे बात को। आपने www.google.com किया, वो इस रास्ते घूम घाम के गया और वहां से आपको रिप्लाई आ गया। रिप्लाई क्या आया, होस्ट क्या जानना चाह रहा था, सपोज करें एक वेबसाइट ओपन करने चाह रहा था, उसका वेबसाइट ओपन होके आ गई, और इतना काम आपके कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। इंटरनेट की स्पीड इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी। सर सेंडर और रिसीवर दोनों का पाथ सेम ही होगा, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सेंडर के लिए जो रास्ता आसान पड़ रहा, रिसीवर के लिए रास्ता वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा, दूर पड़ रहा, तो दूसरा पाथ लेके जाएगा। वो डिपेंड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये जो हमारा राउटर भाई साहब बीच में लोग खड़े हैं ना, ये रास्ता बताने वाले, ये बताएंगे कि कौन सा रास्ता बेहतर होगा यहाँ से वहां जाने के लिए या वहां से यहाँ आने के लिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इंटरनेट ऐसे काम करता है। अब चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को जो सेव हो जाएगी रिकॉर्डिंग, तो इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। किसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी बेटा, प्रखर ने आई थिंक की थी, किसने की थी, हाँ प्रखर ने की थी, यस। तो प्रखर ये रिकॉर्डिंग जब सेव हो जाएगी, अगर मैं इसको देख पाऊंगा तो मैं इसको YouTube पे भी डाल दूंगा, ताकि इसको आप बाद में भी देख सको, ओके? सर नॉइस का कैसे करोगे? नॉइस का क्या, नॉइस ज्यादा आ रही है? सर जैसे हम बोल रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्ड होता है। चिंता मत करो बेटा, क्या हो गया, कौन सा कुछ आप खराब चीज बोल रहे हो? नहीं सर वो ठीक है, चिंता मत करो। देखो यूट्यूब पे पता है एक चीज बताऊँ, आपके जैसा कोई बच्चा लकी नहीं है, हो सकता है वो जरूरी नहीं कोई लकी हो इतना कि उसको फॉर्मल एजुकेशन मिल पा रही है बेटा। तो अगर ऐसी अगर जानकारी उस बच्चे तक पहुंचे जिसके पास इंजीनियरिंग के पैसे भरने के लिए नहीं है, या जिनका बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा, वो बच्चा एटलीस्ट पढ़ तो पा रहा है, क्यों उसको भी मौका मिलना चाहिए ना, वो क्यों रह जाए।
तो बेटा हमें जब भी काम करना चाहिए हमें उसके लिए सोचना चाहिए यार, ठीक है मैं तो लकी रहा, मेरे पेरेंट्स लकी रहे, या माता पिता का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इंजीनियरिंग करने भेज दिया, कितना कोई लकी होता है बेटा। चलो तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि सबके साथ बढ़िया हो, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। मेरा डायग्राम थोड़ा ऐसा अजीब सा बन गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आ गया, बहुत सही बहुत सही। ये मेरा नॉर्मल इंटरनेट ऐसा काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो थे हम, अगर वायर की बात करें तो हम कहाँ पे थे, इसको मैं एक काम करता हूँ दोबारा मिटा के दोबारा बनाता हूँ। हम कहाँ पे थे, हमने अभी देखा, हमने फिजिकल लेयर को देखा जो वायर कनेक्ट होती है, फिर हमने देखा डेटा लिंक लेयर को, देखा कि एक भाई साहब है जो बातचीत सबसे करा रहे हैं जिसका नाम स्विच है, स्विच को अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसमें स्विच के बेसिक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं अभी बेटा, वो हम टच नहीं करेंगे उसको अभी हम, ठीक है। और नेक्स्ट बातचीत कौन करा रहा है इसको, राउटर कहाँ पर भाई साहब है जो रास्ता बता रहा है, नेटवर्क लेयर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वो एक प्लेन में या एक बस के ट्रक के थ्रू दिल्ली से बेंगलोर सारी इकट्ठी जितने कुरियर्स है जितने पैकेजेस थे सब इकट्ठे जा रहे हैं, एक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा रहे हैं, और उस खत में क्या लिखा है क्या करना है वो क्या हो गया, एप्लीकेशन। तो इन पांच लेयर्स के द्वारा जो कि TCP/IP एक मॉडल के तौर पर, एक प्रोसीजर या स्टेप्स के तौर पर समझ लो कि डेटा अगर किसी को भेजा जा रहा है तो ऐसे इस तरीके से जाएगा, पैकेजिंग होगी, ठीक है, और अनपैक होगा तो ऐसे होगा अनपैक, कि एप्लीकेशन टूटेगा, फिर ट्रांसपोर्ट खत खुलेगा कि कहाँ से आया, फिर आप पैकेजिंग खोलो कि अच्छा ये इस एड्रेस से आया, फिर ये उस ब्लॉक नंबर से आया, फिर अच्छा अंदर क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या है, वो हमारा फिजिकल है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। ये मेरा नॉर्मल इंटरनेट हो गया। अब इतना बल्कि काम, इतना बड़ा काम, ठीक है, हमारे तो लैपटॉप्स तो झेल लेंगे, लैपटॉप कहेगा हाँ मैं झेल लूंगा, PC कहेगा हाँ मैं झेल लूंगा, लेकिन जो छोटी छोटी सेंसर डिवाइसेस होती है हमारी जिनके 5 वोल्ट की बैटरी लगती है उनके अंदर, वो क्या भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ मैं तो ना झेल पाऊंगा, वो घबरा जाएगा पूरी तरह, मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो इनके लिए बना माइक्रो TCP, या फिर शॉर्ट पे कह दो माइक्रो IP स्टैक। और इनको, इनके लिए कोई सुनने वाला था नहीं, कौन सुना, IEEE भाई साहब आएगा, देखो भाई सेंसर भाई साहब मैं आपके लिए आया हूं, मैं आपके लिए डेटा को इतना छोटा कर दूंगा कि आप आराम से उसको झेल पाओगे और आराम से काम कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो IEEE ने कहा कि भाई आप लोग के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया, 802 नंबर का एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 15 के 4 मेंबर्स काम करेंगे, जो काम क्या होगा, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पूरे शॉर्ट में क्या कहते हैं, WPAN, के भाई सेंसर भाई साहब आप जिस भी सेंसर से कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है, और चूंकि आप किसी तार के थ्रू बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपके जो बातचीत करने का जो माध्यम है वो क्या है, वायरलेस होगा। तो आपके लिए 802 नंबर के ग्रुप नंबर 15 के 4 मेंबर्स मैंने आपके लगाए हैं, IEEE 802.15.4 नाम का एक स्टैंडर्ड बना दिया है। जैसे स्टैंडर्ड आपका एक वाईफाई एक स्टैंडर्ड होता है, आपने देखा वाईफाई का एक सिंबल बना होता है इस तरीके से, कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, इसे आगे वाईफाई लिखा होता है ऐसे करके, या ब्लूटूथ का कुछ ऐसे होता है सिंबल होता है कि वह ब्लूटूथ सर्टिफाइड है कि नहीं है, ब्लूटूथ 4.0 5.0, इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। इस स्टैंडर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में जो स्टोव है
गैस स्टोव होती है और सिलेंडर लगा होता नीचे, और सिलेंडर से जो गैस स्टोव में जो आपकी जो पाइप कनेक्टेड होती है गैस पाइप, क्या लिखा होना चाहिए उसके ऊपर? पहले आता था ISI स्टैंडर्ड का, अब लिखा आता है BIS स्टैंडर्ड का। किस स्टैंडर्ड के ऊपर अगर वो मार्क है, हॉल मार्क है उसका, इसका मतलब ये भाई प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ये सेफ टू यूज है। ऐसे ही अगर IEEE ने के एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया सेंसर भाई साहब के लिए बातचीत करने के लिए, तो सेंसर कहेगा हाँ भाई मैं निश्चिंत हूँ, IEEE आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे ये बातचीत कराने में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो IEEE ने अलग से बनाया 802.15.4 जो कि सेंसर के लिए डेटा लिंक और फिजिकल दोनों को इकट्ठा हैंडल करता है कि भाई ये काम मुझे दो मैं करूंगा। तो हम जो अब काम करना शुरू करेंगे Arduino NodeMCU जो भी मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ इसके ऊपर करना शुरू करेंगे, वो हम इसी के ऊपर काम करेंगे अब कि एक डिवाइस मेरे दूसरे डिवाइस से कैसे बातचीत करती है। चलो आप लोगों को मैं एक बार एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। Arduino नाम का एक डिवाइस है, ठीक है, मैं आपको इंटरनेट भी शो कर देता हूँ बेटा, लेट मी ओपन ब्राउजर आल्सो। Arduino एक ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब हो गया बेटा इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, और ये हार्डवेयर अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता है, खरीदना तो होता है ऑब्वियसली क्योंकि हार्डवेयर की कॉस्ट होगी, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है ये Arduino नाम की, ठीक है, जो कि सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बनाती है। एक सपोज करें आपने कभी मदरबोर्ड देखा है बेटा, मदरबोर्ड पता है क्या होता है? यस सर। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो बोर्ड हो गया, अब वही सब चीजें आपके छोटे से क्रेडिट कार्ड साइज के साइज में आ जाएं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर। कुछ इस तरीके से होता है बेटा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये चीज, इसको मैं और भी बढ़ाता हूँ। अब देखो दिख रहा है बेटा, ये Arduino बोर्ड होता है बेटा, ठीक है, Arduino मेगा, ठीक है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको अगर अभी मैंने तो मैं नेक्स्ट में से बताऊंगा, मैं अभी खोलना पड़ेगा पूरा उसका। ये आगे आपके पिंस लगी होती है, इनसे हम ना डिवाइसेस या सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेसर है, यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है जो सारी बातचीत का समझता है, ये ब्रेन मान लो इसको, इसका ऑन एंड ऑफ करने का तरीका, और यहाँ पे LED बनी हुई है जो बताएगी ऑन हुआ कि ऑफ हुआ। यहाँ से पावर आपके जो USB से आपके कंप्यूटर के USB से पावर लेता है, कितनी, महज 5 वोल्ट, ठीक है। और हम काम करेंगे इसके ऊपर ऑनलाइन, जो काम करेंगे tinkercad.com पे, अब इसके ऊपर काम करेंगे Uno, ये पहला Uno मीन्स नंबर 1, ठीक है। ये मैं साइट आप लोगों को भेज दूं, देख लोगे इसको एक बार, पढ़ लोगे, देख लोगे, इतना ही देखना बेटा, ये जो लेबलिंग की है नंबर 1 क्या है, देखो नंबर 1 यहाँ पर लिखा होगा, USB कनेक्शन नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आ गया आपका बैरल जैक हो गया, कि अगर आपको पावर अगर आप किसी अपने स्विच बोर्ड से ले रहे हो, अपने जो आपके जो घरों में बोर्ड होता है जहाँ पे वो पावर प्लग लगाते हैं वहाँ से पावर ले रहे हो, तो वो इसके लिए होती है, ठीक है। फिर 2 के बाद आ गया 3, 4, 5। अगर मुझे बोर्ड से किसी सेंसर को पावर देनी है, अगर वो सेंसर मेरा बहुत ही छोटा है तो 3.3 वोल्ट काफ़ी है उसके लिए, तो जल जाएगा। अगर थोड़ा तगड़ा है तो 5 वोल्ट है, दो ही सेंसर आते हैं बेटा दुनिया में, एक 5 वोल्ट पे काम करेगा और दूसरा 3.3 वोल्ट पे काम करेगा,
और उसके ग्राउंड अवेलेबल हैं। किसी भी सर्किट पे ध्यान रखो बेटा, एक आपकी लाइव वायर होती है, दूसरी ग्राउंड होती है, इसको हम अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। ये दो वायर हमेशा रहेंगी किसी भी सर्किट के अंदर, के करंट कहीं से आएगा तो कहीं जाएगा भी तो सही, वो जाने के लिए क्या है, ग्राउंड, ठीक है। और दो टाइप के सेंसर होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो सेंसर होते हैं, एनालॉग का मतलब है अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो एनालॉग किस फॉर्म में हो गया आपका, एनालॉग आपका इस फॉर्म में हो गया, डिजिटल आपका इस फॉर्म में हो गया। एनालॉग सिग्नल का जो सेंसर है वो काम करेंगे आपके 3.3 वोल्ट पे, और डिजिटल सेंसर जो हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनालॉग लिख देता हूँ, ये हो गया डिजिटल, ये काम करेंगे 5 वोल्ट पे। अभी टाइम हो रहा है हमारे पास बेटा 3:59 हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक लें बेटा, 4:10 पे दोबारा मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आर्डिनो मेगा 2560 जो होता है, ठीक है, MCU लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, ये है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, दिस इज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ठीक है। 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस दे रखी हैं, 16 एनालॉग पिंस दे रखी हैं, मतलब अगर एक एक पिन से मेरे एक एक अगर सेंसर कनेक्ट हो सकता है तो 16 एनालॉग अप टू 16 एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट कर सकता हूं, और इसमें 54 डिजिटल सेंसर्स कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। और यूएसबी कनेक्शन है, ऑसिलेटर होता है वो टाइम बताता है कि हर 16 × 10^6 साइकल्स के बाद एक सेकेंड या एक साइकिल पूरी होती है। कंप्यूटर का टाइमिंग बेटा टोटली डिफरेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना, वो उसके लिए एक सेकेंड और हमारे लिए एक सेकेंड दोनों अलग चीज़ होती हैं। ये कुछ इसके डिटेल्स हैं, ये है आपका आर्डिनो मेगा, अभी मैंने आपको दिखाया था आर्डिनो ऊनो दिखाया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आर्डिनो मेगा, ठीक है। ये आपका एटमेगा 2560 नाम का मेगा कंट्रोलर यूनिट है, MCU, बाकी आपके एनालॉग पिंस हो गए, ठीक है, 16 हो गए 0 से लेकर 15 तक, A0 से A15, फिर बाकी आपके डिजिटल पिन्स हो गई, ये वाली सारी, ये डिजिटल पिन्स आपकी, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई बेटा। अब ये और चीज़ आपको दिख रही होगी, TX और RX, यहाँ पर लिखा है TX RX। इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में TX का मतलब हमेशा कहीं भी अगर लिखा होता है तो आप इसको समझें ट्रांसमिशन, और RX का मतलब होता है रिसेप्शन, ठीक। वैसी बात हो है कि जैसे अगर एक स्टेशन मेरा अपने एंटीना से कुछ ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा एंटीना दूसरे स्टेशन पे उसको रिसीव कर रहा है, तो इसका यहाँ पे अब अगर ये तो एक तरह का एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया, सिमिलरली ये भी अपनी बातचीत करेगा, ये बोलेगा और ये सुनेगा, तो इस समय पे TX ऑन है, TX ऑन है जो बातचीत बोल रहा है और ये सुन रहा है रिसेप्शन, और यहाँ पे इसका TX ऑन हो जाएगा स्टेशन बी का, ये स्टेशन ए है, और इसका RX सुनेगा। तो इस तरीके से हमारी जो डिवाइसेज हैं वो बातचीत करती हैं, ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी पे बातचीत करेंगे, मतलब कोई बहुत तेज बोलेगा, आपके पास लोगों को देखते हो कई लोग बहुत धीरे धीरे बातचीत करते हैं, शब्दों को भी बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, सलीके से बोलते हैं, कई लोग मेरी तरह बहुत तेज बोलते हैं, है ना,
तो वो हो गया आपके स्पीड, दोनों की स्पीड बराबर सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, नहीं तो ये कहेगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे थे तेजी से, ठीक है। या अगर ये तेज बोल रहा है, बहुत तेजी से बात कर रहा है, ये धीरे सुनने की आदत है इसको, कहते मैं तो मैं धीरे ही बोलूंगा, आपको धीरे सुनना पड़ेगा, कहते जल्दी कर यार टाइम नहीं है मेरे पास, ए बोलेगा जल्दी कर टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आपको एक स्पीड को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा दोनों के बीच की इफेक्टिवली बातचीत हो सके, ठीक है। तो ये आपके पोर्ट्स नहीं आ रही आपकी, अब आ रही है बेटा आवाज, हेलो सर आ रही है, आ रही है ना, तो बीच-बीच में गायब हो जाती है आवाज, और नेट का इशू होगा बेटा, कोई बात नहीं, अगर बीच-बीच में गायब हो रही है तो नेट का इशू होगा और कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इस आर्डिनो जो हमारे पास था उसको समझाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट वी वांट विथ हार्डवेयर, उसके लिए एक हमारे एक इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, या हम इसको कहते हैं शॉर्ट में भी कह सकते हैं एडिटर, एक प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो इस प्रोग्रामिंग को पढ़ता है, समझता है और एग्जीक्यूट करता है, और किसको भेजता है, आर्डिनो को भेजेगा, आर्डिनो क्या मेरा हार्डवेयर को भेजेगा, लिखेगा कौन, ह्यूमन भेजेगा, किसको, आर्डिनो को, कौन भेजेगा, आर्डिनो को, आईडी। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूज फॉर राइटिंग एंड कंपाइलिंग द कोड फॉर द इंटू द आर्डिनो मॉड्यूल। पहला जो मेन कोड है उसको हम स्केच कहते हैं, ठीक है, एक फाइल जनरेट करेगा हेक्स फाइल जो सिर्फ आर्डिनो पढ़ सकता है, उसको भेजेगा। आईडीई में दो पार्ट्स होते हैं, एक एडिटर और एक कंपाइलर, ठीक है, आईडीई हमेशा दो चीज़ों से बना होता है, एडिटर और कंपाइलर से, सपोर्ट सी और सी प्लस दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये हो गया मेरा एडिटर का, कुछ इस तरह से दिखता है, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं arduino.cc, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे तो ये आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेटअप, दो फंक्शंस होते हैं सेटअप और लूप, सेटअप में वो कोड लिखा जाता है जो एक बार में ही लिखना है, एक बार चलाएगा, ठीक है, और अगर लूप में वो कोड लिखना होता है जो जिसको बार बार चलाया जा सकता है। ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है, यहाँ वेरीफाई होगा कि टेक्स्ट मेरा जो अंग्रेजी लिखी है वो उसका स्पेलिंग वेलिंग सब ठीक है कि नहीं, वेरीफाई करेगा ये, और ये करेगा अपलोड, ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आप आउटपुट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और जो आर्डिनो आपसे कनेक्टेड है वो ये इसका नाम नीचे दिखा देगा, COM9 का मतलब हो गया कि कौन से USB पोर्ट से आपका कनेक्टेड है। ये विंडोज़ जितने USB पोर्ट होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, आपके लैपटॉप्स में होंगे, आपके पीसीज में होंगे, उनको कॉम पोर्ट समझता है, कॉम मींस कंपोनेंट, उनको एक नंबर देता है, शॉर्ट में किसी को COM9 देगा, किसी को COM5 देगा, वो रैंडमली करता है और वो बता देगा आपका कौन सा पोर्ट किससे कनेक्टेड है। ये जो फाइल उसके न्यू ओपन स्केचबुक एग्जांपल क्लोज एग्जांपल भी दे रखे हैं, सब दे रखे हैं, किस इस तरीके से होता है प्रोग्राम, जैसे सपोज करें लिखा हुआ है इस तरीके से और ये अपलोड किया गया इसको, ठीक है, वही चीज़ बता रखी है। एक्सेल देखिए जो जनरेट कर रहा, देखिए यहाँ पर ये देखिए एक्सेल जनरेटेड ino.hex, ये आउटपुट आ रहा है इसका, आउटपुट इस तरह से दिखा रहा है कि भाई जो हमने दिखाना चाहा पे प्रिंट करते जाओ, हर बार प्रिंट करते जाओ तो प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट बोर्ड,
ये इसका तरीका दे रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोड एमसीयू की। नोड एमसीयू की बात करने से पहले मैं आप लोगों को टिंकर कैड की साइट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे देखोगे, किस तरह से दिखता है वो। ये टिंकर कैड हमारा कुछ इस तरह से है, देखिए। आप जाएंगे सीधे टिंकर कैड डॉट कॉम पे, मैं दोबारा से ले चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं नया ब्राउजर खोलता हूँ, लिखता हूँ tinkercad.com। इस वेबसाइट पर जाइए, tinkercad.com, tinkercad.com। यहाँ पे अपना अपना साइन इन कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। अपनी आईडी से आप बना के अकाउंट बना के रख लो इसके अंदर। ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स ज्वाइन अ क्लास या क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। सिंपल आपको क्या करना है, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट बनाइए बेटा। सबके अकाउंट बन जाने चाहिए अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट करते हैं, साइन अप विद ईमेल, विद गूगल, विद एप्पल, मोर साइन इन ऑप्शंस दे रहा, विद माइक्रोसॉफ्ट या विद फेसबुक। आपके जो एमएस टीम्स की जो आईडी है उससे भी ये कर सकते हो, आपके गूगल की जो आईडी है पर्सनल आईडी होगी या कृष्णा कॉलेज की आईडी होगी उससे भी कर सकते हो, फेसबुक की आईडी उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। किसी से भी अपना साइन अप करके रख लो, जब कर लो तो बताना। ओके, भरत सिंह का नेट नहीं चल रहा, माइक भी काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, मृत्युंजय ने लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी दोबारा से, है ना? यस सर, मैंने कर दी थी। ठीक है, तो उसको भरत को बता देना कैसे कैसे, और रिकॉर्डिंग उससे शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि बेचारा परेशान ना रहे, कोई मिस ना हो जाए उससे। चलो ठीक है, कर लिया क्रिएट, कर लिया क्रिएट। चलो अब मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं अगेन जाता हूँ टिंकर कैट के ऊपर। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, आदित्य टंडन नाम से मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन कर जाते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, डिजाइन, सर्किट, कोड ब्लॉक्स, लेसन्स, ऐसे कुछ दिखेगा, है ना। लेसन्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट सिमुलेटिंग का एक लेसन होता है, ये आपको बताएगा कि सिमुलेट करना कैसे, ठीक है। ये आपको सब बताएगा, बेसिक्स तो नहीं बताएगा कि भाई ये ऊनो कहाँ से आया, ये बताएगा कम्युनिकेट कैसे करना है, सिमुलेट कैसे करना है, वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। सर्किट्स पे जाओगे, क्लिक सर्किट, क्रिएट अ न्यू सर्किट, कर दिया क्लिक। यस सर, जैसे क्रिएट अ न्यू सर्किट पे गए, आपके पास कुछ यहां पर आ जाएगा, डिस्कवर प्री मेड सर्किट्स, कुछ दे रखा है सर्किट दे रखे हैं, ये आप कुछ आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर बहुत सारे राइट साइड पे, देख रहे हो। हम इसी के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, यही से हम डिवाइस उठाएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आर्डिनो को ये करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ले आना है बीच में, बीच के हिस्से पे ले आना है। इसको उठाया, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा माउस का और यहाँ पे ले आए। सिमिलरली एक और चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ब्रेडबोर्ड, ब्रेडबोर्ड स्मॉल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको भी उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, या तो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ रख दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, एलईडी, एलईडी हम एक चलाएंगे, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, कहीं भी रख दो, यहाँ पर रख दो, कहीं पर रख दो, यहाँ पर रख दिया। इस ब्रेडबोर्ड पे जो कनेक्शन होते हैं, ये सारे कनेक्शन, अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है, ये जो लाइन है इसको कॉलम समझ लो या रो समझ लो, जैसे भी समझ लो, ये सारे होते पैरेलल। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर कनेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई तार लगा रहा हूँ तो ये दोनों एक ही हुए। यहाँ पे कनेक्शन करना है मुझे, यहाँ से मैं करूँगा और इसको पावर दे दूँगा मैं, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी मैंने यहाँ पर, ये वाली जो पावर होती है, एक मिनट बच्चे फोन आ रहा है सर का, एक मिनट। हाँ, अब इस एलईडी को ध्यान में दो, एलईडी जो हमारी होती है एलईडी के दो पांव होते हैं, दो लेग्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो बड़ा जो होता है, ठीक है, इस केस में जो बड़ा बना हुआ वो आपका इस तरह से बना हुआ, देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये बड़ा है, ठीक है, इस तरफ का, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ठीक है। जो बड़ी जो जो पांव होता है, जो बड़ी टांग है, वो पॉजिटिव होगी, मतलब वहाँ पे लगेगा +5 वोल्ट लगेगा, वहाँ से पावर लगेगी। तो 5 वोल्ट की सप्लाई मेरी कहीं पे लगा दो, यहाँ लगा दिया, चलो यहाँ लगा दिया मैंने, और नेगेटिव मतलब ग्राउंड, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ग्राउंड। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो, तो ग्राउंड हमारे पे यहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ जाऊँगा स्टार्ट सिमुलेशन पे, क्या क्लिक करूँगा, स्टार्ट सिमुलेशन। दोनों बार को मैं अलग अलग कलर भी दे सकता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन दे रखा है, दूसरी बार को मैंने कर दिया ब्लैक कर दिया, चलो तो एक बार ब्लैक हो गई, एक बार हमारी ग्रीन हो गई। स्टार्ट सिमुलेशन पे जाऊंगा, क्लिक कर दिया, इनिशियलाइज कर रहा है। अब देखिए मेरी एलईडी जल गई, स्टॉप सिमुलेशन, दोबारा कनेक्ट करके देख सकते हैं हम एक बार। इसकी जो लंबी टांग है इसको कनेक्ट करना है मुझे, चलो मैं 3.3 वोल्ट दे, कम वोल्टेज दे रहा हूँ इसको मैं, ताकि धीरे धीरे जले, और ये वाली मैं दे रहा हूँ इसको मैं ग्राउंड पे। हाँ, तो मैंने उल्टा कर दिया तो नहीं जल रहा, अच्छा 483 मिल रहा है इसको, ठीक है, एलईडी जल गई है देखो, ठीक है, इसको हटाता हूँ। स्टॉप सिमुलेशन करूँगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर कनेक्शन कर सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर अगर एक कोड, अगर अंदर में इसमें इस वो कोड लिखकर इससे थ्रू बोलो कि एलईडी ऑन कब हो कब ना हो, तब भी मैं कर सकता हूँ इससे। तो आपको हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके मैं कुछ वीडियोस भी लाऊंगा बेटा, ताकि इसकी वर्किंग हम समझ सकें कि काम कैसे होता है। कुछ मैं एक्सपेरिमेंट्स लेकर आऊँगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके बेटा आज तक कोई वर्चुअल लैब बनी नहीं है। अगर हम इंडिया में बात करें
किसी भी आईआईटी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वर्चुअल लैब बनाई नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी अगर कुछ सर्च करके मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत हेल्प होगी बेटा, ठीक है। चलो अभी मैं क्लास ये ख़त्म करता हूँ, अब टाइम होगा कि आप लोगों को मैं इसका वो दे दूँ, मैं क्विज का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। सेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपके मीटिंग चैट के अंदर कॉन्वर्सेशन के अंदर ही मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। जो इससे मैं नहीं है उसको भी बोल देना बेटा अटेंड इसको करने के लिए, भरत सिंह को भेज दो बेटा ये किसी तरह, किसी भी नेटवर्क के थ्रू फटाफट इसको भर दे एक बार और अटेंडेंस मार्क हो जाए। मैं आज यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे हम एक बार इसका। सर सर हाँ बेटा सर, मेरे में तो आया ही नहीं वो, मेरा माइक अभी ऑन हुआ है सर। क्या मेरे में नहीं आया सर वो लिंक जो भेजी आपने क्विज की वो आई नहीं।